नाज़रीन, पहले मैं फिरदौस मार्केट के सिग्नल पे था, अब मैं आपको लेके आया हूँ मॉल रोड पे। और यहाँ पे सिग्नल अभी रुका हुआ है, बंद है सिग्नल, लेकिन लाइन यहाँ पे हमें कुछ बेहतर लग रही है कि बेहतरी के चांसेस लग रहे हैं कि लोग यहाँ पे जो हैं वो एक लाइन क्रॉस नहीं कर रहे। जो पहले मैंने आपको दिखाया फिरदौस मार्केट के इशारे पे कि वहाँ पे लोग लाइन क्रॉस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप एक भाई सिर्फ आगे खड़ा हुआ है, बाकी सारे पीछे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे एकदम देख रहे हैं, खूबसूरत नहीं लग रहा आप माल रोड? और ये जो हेलमेट का एकदम था, सबसे पहली ये बात है कि ये हेलमेट अब इंसान की अपनी सेफ्टी है। बिल्कुल। अच्छा, आप नया अमल दरामद करने जा रहे हैं, वो फैसला ये किया है कि जो पीछे बैठेगा वो भी हेलमेट पहनेगा? नहीं, पीछे वाले के लिए नहीं होना, नहीं होना चाहिए, नहीं होना। चलें, बहुत शुक्रिया। इशारा खुल चुका है जी। और ये कह रहे हैं कि जी जो पीछे वाला, जो कि फैसला किया गया कि जो पीछे बैठा होगा बाइक पे वो उसके लिए भी हेलमेट लाजमी होगा, चाहे वो खातून हो, बच्चा हो या मर्द हो। लेकिन अभी तो एक शहरी से बात हुई है, वो कहते हैं कि जी पीछे वाले के लिए लाजमी नहीं करना चाहिए, लेकिन सेफ्टी तो नागरिक दोनों की ज़रूरी होती है। इस पे सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई उस जो पीछे बैठा होता है उसकी जान कीमती नहीं होती। तो कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि सिग्नल ज़रा बंद हो जाए। नाज़रीन, मॉल रोड है ये, और मॉल रोड पे ज़्यादातर हमें जो चेहरे नज़र आते हैं, चेहरे बल्कि नज़र नहीं आते, वो हेलमेट लोगों ने ज़्यादातर ने पहनना होगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इस कानून की अभी भी, और हेलमेट नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन हमने देखा कि वो गाड़ियों के अंदर से बच के निकल रहे होते हैं। क्या हाल है? ठीक है। गाड़ी इसी तरह क्यों नहीं पहना हुआ? सही तरह बस वैसे ही चलान कर देंगे। चलान नहीं करेंगे, मैंने पता रखा हुआ। क्या किया? नहीं, चलान नहीं करेंगे। जी मुझे बताओ ना, ये सीधा क्यों नहीं पहना आपने? बस ऐसे ही दिल नहीं कर रहा था। दिल नहीं कर रहा था? चोट लगी? फिर चोट नहीं लगी, दुआ पढ़ के चलाइए। दुआ पढ़ के चलाई, दुआ पर इतना यकीन है यार? सही क्यों नहीं पहना इसे? इसके अपने चला रहे हैं ना सर, वो खुद अकलमंद बंदा। अच्छा जी, एक ये भी रवैया है कि जी दुआ पढ़ ली है, नो डाउट दुआओं का बड़ा असर होता है, लेकिन दुआ पढ़ ली है तो चोट नहीं लगेगी, ये कहाँ पे लिखा होगा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हेलमेट सारे पहन रहे हैं आजकल, कैसा लग रहा है? ठीक है जी, मैं अलहमदुल्ला शुरू से पहन रहा हूँ। शुरू से पहन रहे हैं? मैं इस कंपनी से पहले के पहन। नहीं, वैसा कैसा अब कैसा लग रहा है? एक ही होना चाहिए, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, और वोल्टेज यही कहता है हमारी अपनी। अच्छा, एक नया एग्जाम है कि जी आपकी गाड़ी तब रजिस्टर्ड होगी जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। जो यंग एज वाले या जो इन चोर चला रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बात ठीक है जी, लेकिन देर है दुरुस्त आए, एकदम कर लिया एक के, लेकिन शहरी उसे चला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो एकदम है ये बड़ा पहले हो जाना चाहिए था। गाड़ी सिर्फ रजिस्टर्ड उनकी होनी चाहिए थी जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ था, लेकिन खैर देर है दुरुस्त आए। अब देखते हैं जी लोग किस हद तक बाहर निकलते हैं और अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, और अलबत्त उसके बगैर गाड़ी तो आपकी रजिस्टर्ड नहीं होगी। अच्छा नाज़रीन, मॉल रोड पे हम मौजूद हैं, और पीछे मैंने देखा अभी कि एक भाई को रोका है, हेलमेट आगे लटकाया हुआ है यार। अस्सलाम वालेकुम जी, सर क्यों रोका है इनको? हेलमेट यार क्यों नहीं पहना आपने? भाई जान, मेरे ना पसीने की वजह से यहाँ पे देखे तो अगर खारिश हो रही है, चोट लग जाती है आपको आगे, वो ज़्यादा नुकसान दे या खारिश आपको? मैंने अभी वो करवाया, अभी उतारा, एक मिनट। चाहे आपने अभी उतारा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीछे से उतार के आ रहे हैं, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए तो मुनासिब नहीं कि आप पहन के रखें? सर आप सही कह रहे हैं, मैंने तो सेफ्टी के लिए लिया था, पहनने के लिए लिया। तो पहना तो नहीं ना हुआ, बात तो फिर वहीं पर आ गई। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस LTV बनवाया था, लर्निंग सॉरी नहीं, कुछ भी नहीं है, कंपनी की बाइक है। तो हाँ जी, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी बाइक बंद हो गई है सर? बाइक बंद हो गई है? वहाँ कंपनी की बाइक है, मैं मंगवा लेता हूँ। चलें जी नाज़रीन, ये है हमारा अलमिया है कि उन्होंने ख़रीदा भी है, हेलमेट ख़रीदा भी है, और लेकिन पहना नहीं है, कहते हैं सेफ्टी के लिए ख़रीदा है लेकिन पहना नहीं है। और मज़े की बात ये है कि जी ना उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना ही बाइक के कागज़ हैं, लेकिन हमने ख़ुद को चेंज करना है। अगर माशरे को चेंज करना है तो सबसे पहले खुद चेंज होना पड़ेगा, खुद चेंज होंगे तभी हमारा माशरा चेंज होगा। नाज़रीन, मॉल रोड पे मैं मौजूद हूँ, अभी हमारी SP जो सिटी ट्रैफिक पुलिस थे उनसे हमारी बात हो रही थी। एक हेलमेट नज़र आया हमें, वही वाला हेलमेट जो जिसका कोई भी जो सिक्योरिटी मेजर नहीं है। सामने को लाइसेंस कागज दिखाइएगा। ये सर जो आपने हेलमेट पहना है, ये हेलमेट नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग कैब है। ये जो दूसरे हेलमेट आ रहा है वो आपको पता 2 से 3 हज़ार का आ रहा है।
11 तो 1150 का हो गया, कब 1150 उसमें तो मैं कल भी लेने गया, मैंने मजबूरी के तहत ये लिया। अच्छा मजबूर, ये मुझे कितने का लिया ये बताओ? ये मैंने 250 का लिया, 250 रुपये का। मुझे ये बताओ मैंने उसको 1000 रुपये का। सही सुनो तो सही यार, ये सेफ्टी करती है आपका? कौन सेफ्टी होगी इसे आपकी? सारी सारी की तो सेफ्टी है, ये सार देख लो पूरा सारे इसके। ओ ऐसे बजे गिरोगे तो क्या होगा? गलती मानते हो? जी मान। 1000 रुपया एक दफ़ा या 2000 रुपये एक दफ़ा लगा लो, उसको अपने पास रखो, चलो उसको लेके कम से कम नुकसान तो ना हो आपका, ठीक है। नाज़रीन ये भी एक है हमारा फैक्टर, यकीनी तौर पर महंगाई है, लेकिन हाई कोर्ट ने कीमतें मुख्तस भी कर दी थी, 1150 का हेलमेट बिल भी रहा है, तो अब चाहिए कि कम इस तरह की जो कैब्स हैं हेलमेट के नाम पर उसके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाज़रीन ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन कहीं ना कहीं ज़रूर होती रहती है। ट्रैफिक वार्डन ने रोका जी, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे। वॉइस सुन रहा था, वालेकुम सलाम। यार अगर आप वॉइस में सुन रहे हैं आपकी टेंशन तो डाइवर्ट होती है। बेसिकली सिग्नल पे था इसलिए मैंने कहा वॉइस। अरे सिग्नल पे जब खड़े होते हैं सिग्नल बंद है, मोबाइल फोन यूज़ कर सकते हैं? नहीं सर, इसलिए अगर ये इनके इशारा खुलेगा पीछे वाला अभी देख लें प्रॉब्लम होगी। हाँ बिल्कुल, अगर ये इनके टेंशन तो आप क्या चालान करेंगे आप इनका? अब इनको वार्न कर देते हैं। चलें जी, वार्न कर दिया इनको, मॉल रोड पर आ रहे हैं, मोबाइल फोन यूज़ कर रहे हैं। हमारी कौन गल नया ये है कि हम लोग गलती मानते नहीं हैं, तस्लीम नहीं करते हैं कि हमारी गलती है। मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं चाहे सिग्नल भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वाइल ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है और आप बाकी लोगों की ज़िंदगी को भी ख़तरा डालते हैं। तो बेहतर ये कि मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, अपना जो ध्यान है सारा वो आप ड्राइविंग पर रखें और बेहतरीन ड्राइव करें, ड्राइव का मज़ा लें, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें और दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल रखना भी आपका ही फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? थोड़ा और नीचे कर लें यार। यार कैसे चल रही है हमारी ट्रैफिक आजकल? हेलमेट की पाबंदी हो रही है, सीट बेल्ट बांध रहे हैं लोग। आपसे पूछ रहा हूँ, आप देखते नहीं हैं, मुआशरे में नहीं रहते आप? जी सर रहते हैं। तो फिर आपसे पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है यार? ठीक है सर, लोगों को बेहतर लग रहा है? जी सर बेहतर होना चाहिए। अच्छा जी, अंकल हमारे साथ बैठे हुए कहते हैं जी, वो अंकल कहते हैं मेरी बात सुने, तो अंकल से हम बात करते हैं। अच्छा जी बेहतर लग रहा है कुछ? ये हेलमेट एक्चुअली इसलिए पहनाए जा रहे हैं यार ज़बरदस्ती कि हमारी सेफ्टी हो, ये हमारे इंसानों के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन हम भी ऐसे लोग हैं कि इसको फॉलो नहीं करते। ठीक है बहुत शुक्रिया, हम भी ऐसे लोग हैं जिनको फॉलो नहीं करते, तो हमें फॉलो करना चाहिए। एक खातून ने बताई है, अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे 2 मिनट चाहिए आपकी, कैसी हैं आप? थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ये मेरा, ठीक ठाक हैं आप? आपको भी एक चेंज नज़र आया होगा, हेलमेट पहने लोगों ने, सीट बेल्ट पहनी है, कैसा लग रहा है चेंज ये? सेफ्टी के हिसाब से तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी सिग्नल खुल गया है, प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोगों को इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, हमारा फ़र्ज तो है कि आप तक हम इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ कि मामला कैसे चल रहे हैं ट्रैफिक कवानीन की, हम चूँकि बात कर रहे हैं आज, लेकिन हम लोगों की राह में रुकावटें खड़ी नहीं कर सकते, तो बहरहाल बार बार रुकना पड़ रहा है, साइड पे खड़ा होना पड़ता है ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। ट्रैफिक पे बात कर रहे हैं जी, जी कवानीन पर अमल दरामद करा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे, जी, कैसा जी। लग रहा है आपको? हेलमेट की पाबंदी हो रही है, सीट बेल्ट की पाबंदी हो रही है? हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है जी, बेहतरी आई है, ये होना चाहिए। अच्छा एक और इकदाम ये है कि तब तक गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी आपकी जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, जी जी, कैसा इकदाम है ये? भी बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा एकदम है, शहरियों की जानिब से भी सराहा जा रहा है अदालती इस अहकाम को। और नाज़रीन बात चाहे पिछले प्रोग्राम्स की करें हम, जो हमने पहले किए थे ट्रैफिक जो मुहिम आगाही मुहिम थी एक हेलमेट पे, चाहे वो प्रोग्राम हो, हेलमेट का मामला हो या मामला हो आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का, आपके लाइसेंस का, हर मामले में सेफ्टी आपकी है। चाहे वो मामला हो सेफ सिटीज़ का कि आप जब रात के अंधेरे में ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हैं तब भी नुकसान अगर होता है तो भी आपका होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि दूसरी साइड से कितनी स्पीड में गाड़ी आ रही है। तो अगर तो चालान आपके हो रहे हैं चाहे वो सेफ सिटीज़ के थ्रू हो रहे हैं, हेलमेट की पाबंदी की वजह से हो रहे हैं, या आपकी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना इस वजह से होते हैं, तो हर सूरत हाल में फ़ायदा जो है वो आपका है। अब आपकी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि आपने इन कवानीन को फॉलो करना है, क्योंकि आपका मुल्क है, आपका शहर है, आपके लिए कवानीन बनते हैं और इसमें सेफ्टी यानी कि हिफाजत भी आप सब लोगों की है। नाज़रीन ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की हम बात कर रहे थे, हमने आपको दिखाया कि जो पहले हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए गए थे अंडर एज ड्राइवर्स पे या हेलमेट की पाबंदी पे कि हेलमेट पहनना सबके लिए लाजम करार दिया गया था,
चालान किए हैं लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने 1,80,000 से जायद। और इसी तरह से जो सेफ सिटीज़ की ईद रनिंग शुरू हुई थी, हमने उससे पहले भी प्रोग्राम किया था, उसमें भी आपको आगाह किया था, तो वो भी चालान 70,000 से जायद किए हैं सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ ने भी। तो चालान आपके घर आ रहे हैं। और अब नया इकदाम ये है कि हाई कोर्ट ने हुक्म ये दिया है कि गाड़ी आपकी तब रजिस्टर्ड होगी जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। हमने आपकी प्रोग्राम में मुलाकात कराई SP सिटी ट्रैफिक पुलिस से। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है और आपके लिए वहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं, ट्रैफिक पुलिस अहलकार बैठे हैं, आपने जाना है ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर, अपना लाइसेंस बनवाना है। पहले रनिंग बनेगा आपका लाइसेंस, फिर आपका दूसरा लाइसेंस बनेगा परमानेंट, उसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो रजिस्टर्ड हो पाएगी। अलबत्ता नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात कराई हमारी आवाम से भी कि आवाम की सोच क्या है, कितना अमल दरामद कर रहे हैं ट्रैफिक कवानीन पे। अगर बात की जाए ट्रैफिक कवानीन की, हेलमेट की, या आपकी सेफ्टी की, या आपके लाइसेंस की, तो हर सूरत में फ़ायदा होता है सिर्फ आपका। और हम भी अगर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो हमने भी आवाज़ बुलंद की है सिर्फ आपके लिए, आपकी बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो नाज़रीन, बनाम तख्ते लाहौर की टीम का भी आपके लिए यही मैसेज है कि आप ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें। उसकी वजह यह है कि आपकी सेहत आपकी घर वालों के लिए, आपकी जान बेहद ज़रूरी है, और इसी मुल्क के लिए भी आपकी जान उतनी ही ज़रूरी है जितना आपके घर वालों के लिए आपकी जान ज़रूरी है, क्योंकि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तरक्की में आपने ही अहम किरदार अदा करना है। तो नाज़रीन, हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।